सहरसा में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक साथ कोरोना संक्रमित 7 लोगों के पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि इससे पूर्व भी 3 लोगों के रिपोर्ट पॉजिटिव आए थे। कोरोना संक्रमित में अब सबसे ज्यादा 5 लोग जिला मुख्यालय स्थित सहरसा बस्ती के हैं, जबकि एक सोनवर्षा राज प्रखंड के सहमोरा गाँव का और एक सिमरी बख्तियारपुर प्रखंड के मदनपुर गाँव का है। कुल मिलाकर अब तक जिले में 10 लोगों के कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि हो चुकी है, जिसमें सहरसा के 8 जबकि एक सुपौल जिले का और एक नेपाल का रहने वाला बताया जा रहा है। जिले में क्या अपडेट है कोविड-19 का? कोविड-19 के पूर्व में जो 3 पॉजिटिव केस थे उसके अलावा 7 पॉजिटिव केस और मिले हैं, तो टोटल पॉजिटिव केस की संख्या 10 हो गई है। ये सभी 10 जो केसेज आए हैं वो नंदुरबार से जो ट्रेन आई थी 6 तारीख को, उसमें से जो बच्चे थे उनको रैंडम सैंपलिंग लिया गया था, उन्हीं का पॉजिटिव आया है। और जो पॉजिटिव आने के बाद जो विभागीय निर्देश में जो आवश्यक कार्रवाई की जानी है उसको हम लोग कर रहे हैं। इसमें 5 बच्चे सहरसा बस्ती के हैं, एक बच्चा सनहोरा सिमरी का है और एक मदनपुर सोनवर्षा प्रखंड का है। तो 3 कंटेनमेंट जोन हमारे बन रहे हैं, तीनों में जो आवश्यक कार्रवाई करना वो किया जा रहा है। हम लोग सभी बच्चों को पुनः बुला रहे हैं उनके सैंपल कलेक्शन के लिए, और साथ ही साथ सभी बच्चों के घरों में जो है उनका ट्रेसिंग किया जा रहा है, ताकि उनका भी 1-2 दिन के अंदर सैंपल लेके हम लोग उनका सैंपल भेज के जांच करवाएं। कितने बच्चों का सैंपल लिया गया था, कितने बच्चे अभी बाकी? अभी जो टोटल 180 बच्चे आए थे उस ट्रेन से, जिसमें कि 40 बच्चों का रैंडम सैंपल लिया गया था। उस 40 बच्चों में से 21 बच्चों का नेगेटिव आया सैंपल, 7 पॉजिटिव आया है और 12 अभी भी अवेटेड है, रिजल्ट अभी पेंडिंग है। पूर्व के 3 जो थे वो तो ट्रेन से ही हम लोग स्प्रेड ले आए थे, तो वो इस काउंट में नहीं है। तो ये पिछले आंकड़ा है और 140 बच्चों को और सैंपल लेना है, जो कार्रवाई अभी की जा रही है। टोटल कितने अभी तक से पॉजिटिव? टोटल 10 पॉजिटिव हैं।